टूटेगा, शेर हमारा टूटेगा, कल की ताला टूटेगा, शेर हमारा टूटेगा, कल की ताला टूटेगा, शेर हमारा टूटेगा। जय 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 बंदा, अरे भारत भारत जय 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 बंदा। भारत माता की जय, जय गौ माता। आज आप सब लोग देख पा रहे हैं कि जो हिंदू है वो सोया नहीं है, हिंदू जगा हुआ है। श्री आज श्रीराम युवा सेना की ओर से राजा भाई के प्रति, राजा भाई के सपोर्ट में हर घर घर से एक युवा, एक माँ, एक बहन बाहर आई है। मैं इस मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ, KCR तुम जो बोल रहे ना, जो दम है तुम्हारे में तो आगे आके लड़ो। ऐसे बिना जो फेक मीडिया तुम्हारे भाई पे लगाए हैं वो पहले निकालो और हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहा करो। और ये सब चीज़ का एक ही मकसद है, उनकी बेटी जो लिकर स्कैम में उनका नाम आया, ये सबको छुपाने के लिए KTR मुनावर फारूक को हैदराबाद बुलाकर उनका शो करवाया। और एक बात, हमारे भाई ने एक बार नहीं 10 बार रिक्वेस्ट, उनको लेटर भेजा था, मीडिया के माध्यम से बताया था कि अगर यहाँ पे शो होगा तो 22 तारीख को हमारा भी शो होगा, हम भी कॉमेडी करेंगे। तुम करो तो कॉमेडी, हम करें तो पीडीएक्ट। वाह भाई KCR, तुम्हारी तो सही लीला चल रही। हम मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर हमारे भाई को जल्द से जल्द नहीं छोड़े, हर घर से रानी लक्ष्मीबाई निकलेगी, हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलेंगे, हर घर से एक रानी अवंतीबाई निकलेगी और हम बता देंगे कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है। यहाँ रहेगा तो सिर्फ हिंदू रहेगा, ना कि KCR। KCR तुमने जो बोला हिंदू गालू बंदू गालू करीमनगर में, उसका मकसद तो तुमको आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा। हर जगह भगवा लहराएगा, हर देश में भगवा लहराएगा, हर घर के छत पे भगवा लहराएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। राजा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। स्टार्ट लड़ो भैया, स्टार्ट। जय श्री राम। आज राजा भाई के समर्थन में राजा भाई को इलीगली जो अरेस्ट करी TRS सरकार MPM के दबाव में आके, उसी के लिए आज माता रानी से प्रे करें। और हमारे हिंदुओं का डिमांड यही है, आप लोग अगर अरेस्ट करना था तो सही, अगर तुम्हारे में दम था तो नोटिस देके करना था, मगर इलीगली नोटिस देके सुबेरे दोपहर में अरेस्ट करके लेके गए। ये हिंदू यहाँ खामोश बैठे हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारे MLA साहब को आप लोग रिहा करो, नहीं तो पूरे देश में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होएंगे और पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी कमजोरी ये नहीं है कि हम खामोश बैठ रहे, आप जिसके दबाव में आ रहे हैं ना, KCR आपको आने वाले समय में बिल्कुल आपको सबक हिंदू सिखाएंगे, जैसा करीमनगर में हिंदू गालू बंदू गालू बोले थे, आने वाले टाइम में पूरे तेलंगाना में तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये संकल्प ले रहे हैं।